अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है यार सब खैरियत से हो उम्मीद है कि ठीक ठाक हो इंशाल्लाह मैंने अक्सर बाइक्स जिनके रिव्यूज़ किए हैं आई एव कॉल देम मॉन्सटर्स एव कॉल दैम ब्यूटिफुल देम इनक्रेडिबल मशीन्स जो एक ख़ास कैटेगरी फ्लैगशिप कैटेगरी कहलाती है कुछ बाइक्स के लिए लाइक आई वांट टू से कि हर कंपनी की एक फ्लैगशिप स्टैंडर्ड ज़रूर होती है हर कंपनी अपना एक टॉप ऑफ द लाइन बाइक ज़रूर निकालता है और हर कंपनी उस बाइक के लिए हर साल सबसे सब ज्यादा मेहनत करती है और ये एक मार्केट स्टैंडर्ड है ज़ाहिर है हर गाड़ी और हर बाइक वाली कंपनी ने कोशिश ये करनी है कि वो एक जगह पे आके अपने सारे फीचर्स हर तरह की फैसिलिटी हर तरह के एडवांटेजेस पॉप आउट करें ताकि उनकी चीज मार्केट में स्टैंड आउट करे ना दिस थिंग इज यूनिवर्सल फॉर एवरी ऑटोमोबाइल आउट देयर इन द वर्ल्ड जहाजों में गाड़ियों में मोटरसाइकिल्स में कश्तियों में जो मर्जी खरीद लो उसमें ये चीज़ जरूर स्टैंडर्डाइज्ड होती है कि यार एक चीज मार्केट में फ्लैगशिप के तौर पे जाएगी हर कंपनी की रिप्रेजेंटेशन के लिए ताकि लोग समझ सकें कि ये कंपनी बॉल गेम किस लेवल पे खेलना चाहती है सो टुडे आई हैव दिस ब्यूटीफुल दिस इनक्रेडिबल दिस अमेजिंग दिस मॉन्स्ट्रस येट वन ऑफ द मोस्ट हम्बल एडवेंचर टूरिंग बाइक्स राइट हेयर फॉर यू द गोर्ज बीएमडब्ल्यू आर ट्वेल्व हंड्रेड जी एस ए इस बाइक के अंदर दो डिफरेंट तरह के वेरियंट आते हैं आर ट्वेल्व हंड्रेड जी एस और आर ट्वेल्व हंड्रेड जी एस ए जी एस एज देंचर मॉन्स्टर जो सबसे ज्यादा टॉप ऑफ द लाइन है बीएमडब्ल्यू की तरफ से जिसको वाकई फ्लैगशिप कहा जा सकता है जिसके ऊपर बीएमडब्ल्यू काम कर रहा है लेके ले आ रहे हैं वर्ल्ड वॉर टू के जहाजों से जर्मन ने इस चीज के ऊपर जितना काम किया है देर इज नो अदर राइवल अगेंस्ट दिस बाइक जो दुनिया में कह सके कि हम इस बाइक को पीछे छोड़ देंगे किसी तरह की टेक्नोलॉजी में जब मैं ये बात कहता हूं कि दुनिया में कोई और कंपनी इसको हरा नहीं सकती मैं ये बात हरगिज़ नहीं कह रहा कि कोई कंपनी इसको चैलेंज नहीं कर सकती यूरोप की बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने बीस किस्म की टूरिंग बाइक्स निकाली के टी एम अप्रीलिया इसके अलावा जो हमारे पास अपनी होंडा की इतनी जबरदस्त यामाहा की इतनी जबरदस्त टूरिंग बाइक्स आती हैं जापान से वो सारी भी चैलेंज करने की हद तक बहुत आगे हैं बट वो जाके मार खाती हैं इनके एक्सपीरियंस पे और जिस तरह की टूरिंग के लिए और जिस तरह की रोड परफॉर्मेंस के लिए बीएमडब्ल्यू अपनी बाइक्स को प्रिपेयर करता है बीएमडब्ल्यू की टूरिंग बाइक्स की दुनिया में सबसे ज्यादा इस वक्त डिमांड है सबसे ज्यादा सर्च होती है सबसे ज्यादा पार्ट्स इनके मांगे जाते हैं हर मुल्क में जब आप टूरिंग की बात करते हो तो सबसे पहले बंदे के जहन में BMW GS का नाम आता है इन लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजीज इतनी एडवांस्ड कर ली हैं कि पीछे छोड़ना तो दूर की बात मुकाबला भी इनके साथ किसी और कंपनी का बहुत टफ है जिस तरह छोटी कंपनीज बिनेली वगैरह बनाती हैं अपनी टूरिंग बाइक्स उन लोगों का एम ये हरगिज नहीं होता कि यार बी को हरा देंगे इनसे आगे निकल जाएंगे वो बस इस लेवल पे गेम खेलना चाहते हैं कि दे वॉन्ट टू एग्जिस्ट इन द मार्केट एज लॉन्ग एज बीएमडब्ल्यू इज प्रोड्यूसिंग टूरिंग बाइक्स चलो अब तारीफों से हटके जरा मुद्दे की बात पर आते हैं इससे पहले की वीडियो बोरिंग हो जाए ना ये बाइक एक दो की आर बारह है बी अब आर भी निकाल चुका है और उसमें जाहिर इससे काफी ज्यादा चीजें उन्होंने एडवांस की हैं उसका बॉडी वेट उन्होंने कम करने की कोशिश की अपनी तरफ से आई एम श्योर कि वो हर रोज किसी ना किसी नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं अब यहाँ पे जो इशू आता है वो हम लोगों की अपनी ईगोस का है जिस तरह कोई बंदा एक बाइक खरीदता है जिस तरह मैंने एफ जी टेन खरीदी अब मैं मार्केट में उसके मुकाबले की या उसके साथ जो जो बाइक्स आती हैं हाइपर नेकेड्स में सुपर नेकेड्स में उन बाइक्स को गंदा करने की कोशिश करूंगा नाउ द थिंग इज कि हर बंदा कोशिश ये करता है कि उसका मंजन सबसे ज्यादा मशहूर हो हर बंदे ने जो टूरिंग बाइक रखी होगी ज़ाहिर है वो उसके तारीफों में जमीन आसमान के कलाबे मारेगा लेकिन दूसरे की चीज या फिर वो जो कंपनी बना रही है उसकी तारीफ कभी नहीं करेगा वजह उसकी प्राइस भी हो सकती है उसके कुछ स्पेक्स भी हो सकते हैं जो उस बंदे की अपनी बाइक में नहीं है और कोई बहुत बोंगी सी वजह भी हो सकती है जिस तरह मैं कहूं कि भाई मेरी एफ जी टेन जो है ना क्रॉस प्लेन क्रैक है क्या अंत का टॉर्क दे रही है बहुत खूबसूरत बाइक है साथ ही एक बंदा आएगा जीवन थाउजेंड वाला वो कहेगा देखो भाई तेरी बाइक क्रॉस प्लेन क्रैंक वाली इन लाइन फोर मेरी बाइक फ्लैट प्लेन क्रैंक वाली इन लाइन फोर जो मर्जी कर ले टॉर्क में तू चीखे मार ले शोर जितना मर्जी मचा ले, लेकिन जो लो आरपीएम पे मेरी बाइक का एक हमिंग साउंड है एक लाउड बज है वो तेरी बाइक कभी नहीं दे सकती और ये बात बिल्कुल जस्टिफाइड है ये बात बिल्कुल सच है लेकिन आपके ये भाई कभी भी नहीं मानेंगे एक लड़ाई है मेरी की ना 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 भाई मेरी बाइक बेस्ट बाइक तो यहां पे आगे ना स्टोरी थोड़ी सी गंभीर हो जाती है जिन बॉयज़ के पास इस बाइक के अलावा कोई और टूरिंग बाइक है ना वो मुझे शुरू दिन से बैठ के ये बताते थे कि देख भाई ये आर बारह सौ जो है ना इतने डिसएडवांटेजेस हैं फजूल के पैसे हैं जहनुम में फेंक दो इससे बेहतर है ये पैसे अपने वजन में ज्यादा है पावर जरूरत ही नहीं है इतनी ज्यादा लेके जाने की बॉडी बहुत वाइड है बॉक्सर इंजन है फलाहाँ थे टिमकहा लेकिन जब बात आती है ना इस बाइक की परफॉर्मेंस इस बाइक के फीचर्स इस बाइक की अपनी राइड हाइट इस बाइक की कंफर्ट इस बाइक की स्टेबिलिटी जो मर्जी बोल लो भाई ये बाइक

जो इसके पिस्टन हैं वो साइड्स की तरफ फायर होते हैं अब इस बाइक के अंदर जो सस्पेंशन है जो इसके अंदर अपने आ, हैंडल बार में इसके डैशबोर्ड पर सारे फीचर्स हैं हर तरह की क्लाइमेट हर तरह की वेदर कंडीशन हर तरह की टेरेन जो भी आप आ, सोच सकते हो अपने जहन में टूरिंग की कंडीशन एडवेंचर टूरिंग की कंडीशन ये बाइक उन सब के लिए बना हुआ है हर तरह के टेरेन और वेदर क्लाइमेट और इस तरह की चीजों से मेरी मुराद ये नहीं है लेकिन जहाज की तरह हवा में उड़ जाओ या पानी में उतार दो इसको समुद्र में तैराने के लिए ये बाइक उस तरह की हर जगह पे जा सकता है जहां पे कोई भी गाड़ी या कोई भी बाइक या साइकिल या खोता रेडी इस तरह का ट्रैक अवेलेबल हो जिस तरह की जगह भी कोई चीज जा सकती है गाड़ी लेके जा सकते हो बाइक लेके जा सकते हो हाइकिंग करने के लिए जा सकते हो मेरा जहां तक ख्याल है ये बाइक छिक दो चला जाएगा वहां तक इंजन परफॉर्मेंस और बाकी सारी चीजों एक तरफ जो इसकी एक वी किस्म की एक बहुत मजेदार चीज़ है ना इस बाइक के अंदर वो ये कि जब आप इस बाइक के ऊपर अकेले बैठो या किसी पिलियन राइडर के साथ बैठो या फिर इसके ऊपर पैनियर बॉक्सेस लगे हुए हों इस बाइक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन एडजस्टमेंट है, है जिसका मतलब ये है कि आप सिर्फ टच ऑफ़ बटन के साथ अपनी बाइक की सस्पेंशन को हार्ड या सॉफ्ट कर सकते हो डिपेंडिंग है वही तो रह जाते हैं इस बाइक के अंदर हैं क्रूज कंट्रोल है जीपीएस कंपनी की तरफ से आता है कुछ मॉडल्स में sure कि इस मॉडल में है या नहीं इसके अंदर एडजस्टेबल फ्रंट वाइजर है इस बाइक के अंदर इन्होंने एग्जॉस्ट की साइड भी चेंज कर दी है ताकि जब आप इसको डबल स्टैंड पे खड़ा करोगे तो एग्जॉस्ट आपके पाओं को ना टच हो इसके अंदर हर तरह के आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड्स बॉडी गार्ड्स फ्रेम गार्ड्स की जगह बनी हुई है इस बाइक के अंदर तीन पेन ईयर बॉक्सेज लगते हैं तीन पेनियर बॉक्सेज इतने जाइगेंटिक साइज के उनमें से साइड पेनिययर बॉक्स में पूरा फुल साइज मेरे साइज का एक पूरा हेलमेट आ जाता है इसके अपने हैंडल गार्ड्स लगे हुए आते हैं और बाकी सब के बाद इसका एक अपना स्पेशल यूनिक फीचर एक्स्ट्रा मीठे के साथ जो पहले मैं एक आध और बाइक के बारे में डिस्कस कर चुका हूं इसमें ना तो सिर्फ सिंगल साइडेड स्वयंगाम है बल्कि चेन के बजाय ड्राइव शाफ्ट लगी हुई है है अब इस एडवांटेज क्या है? जब आपने टायर टायर मेंटेनेंस के लिए टायर उतारना होगा तो आपने इसको सिर्फ स्टैंड के ऊपर खड़ा करके और एक साइड से टायर उतारना है ना आपको उसके लिए टायर का बोल्ट निकालना पड़ेगा ना चेन उतारनी पड़ेगी एक मिनट के अंदर एक एक्सपीरियंस एक बंदा इसका टायर डिसमेंटल करके मेंटेनेंस करा के वापस लागे लगा सकता है अब जरा एक दफा राइड हाइट चेक करते तो हैं और फिर उसके बाद कंपेरिजन करेंगे अंथक यूनिक किस्म की है राइड हाइट है बिल्कुल बंदा सिंक होके बैठता है कंफर्टेबल पॉस्चर है आपको फील होता है आप पूरा लीड कर रहे हो अपनी बाइक को आपकी टांगे टैंक के अंदर सिंक हो जाती हैं पूरी इंजन उसके नीचे आता है हाँ ये बात मैंने सुनी है कि इंजन थोड़ा सा हीट इश्यूज क्रिएट करता है बट जब आप लॉन्ग राइड के ऊपर चला रहे होते, होते हो तो देर इज नो इशू हाँ तो मैं आपके पास मोड कंट्रोल हीटेड ग्रिप्स ए ऑन ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का डायल हर तरह की चीजें हैं ट्रिप इंफॉर्मेशन डैशबोर्ड भरा पड़ा है यार फीचर्स और मॉड्स के साथ अब यहाँ पे इशू आता है कि जब मैं एक आर बारह सौ पे बैठता हूँ और उसके साथ एक एफ एट हंड्रेड पे बैठता हूं तो डिफरेंस क्या है आर बारह सौ एफ एट हंड्रेड के मुकाबले में बहुत नीचा और एवरेज हाइट के बंदे के लिए बड़ा सपोर्टिव है इसके मुकाबले में ये जर्मन की अपनी ही शहजादी को देखो कि इसकी राइड हाइट कितनी है जिसमें मेरे बेरली टोज नीचे टच हो रहे हैं लेट्स टेक अ वेरी स्मॉल वॉक अराउंड उसके बाद एक छोटा सा साउंड टेस्ट करते हैं और फिर घर घर खेलते हैं ये देखो मेरा भाई आर बारह सौ जी एस ए इसके ऊपर ये एक क्रैश कार्ड लगा हुआ है जो मेरा ख्याल आफ्टर मार्केट है इसमें डिफरेंट शेप्स में आता है जिस तरह इस वाली आर बारह सौ के ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का क्रैश कार्ड लगा हुआ है इसके बाद जो इसकी फ्रंट सस्पेंशन है वहाँ पे दो शॉक्स के साथ पीछे एक तीसरा शॉक भी लगा हुआ नजर आ रहा है ये एक तो इसके वजन की वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दूसरा ये बाइक अपनी स्टेबिलिटी कंट्रोल और हाइट कंट्रोल के लिए भी इस चीज़ का इस्तेमाल करती है इसका रेयर सस्पेंशन भी कम्पलीटली इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है बॉक्सर इंजन की ज़रा शेप चेक करो कितना बाहर निकला होता है स्टॉक एग्जॉस्ट है इसका जो कंपनी ने लेफ्ट साइड से राइट right साइड की तरफ चेंज किया है ताकि जब आप यहां से इसका डबल स्टैंड लगाने के लिए आओगे तो आपके पाओं को ना टच हो यह इसकी चेन के बजाय ड्राइव शाफ्ट लगी हुई है और ये देखो जरा इसका सिंगल साइडेड स्विंग आर्म वाला टायर इस साइड पर कोई स्विंग आर्म ही नहीं है सिरे से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की एडजस्टमेंट्स के लिए यह एक व्हील लगा हुआ है जो कि मुझसे नहीं घुमाया जा रहा और उसके बाद यहां पे बाकी सारे फंक्शंस हैं फुल ऑन एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहां सामने सैट नैप लगा होता है जीपीएस कंपनी की तरफ से हाइड्रोलिक क्लच हाइड्रोलिक फ्रंट ब्रेक हाइड्रोलिक रियर ब्रेक फुल ऑन डिश कम टहने वाली लुक्स ओ ये तो मैं भूल ही गया एडजस्टेबल वाइजर ये चेक करो साउंड टेस्ट तो भाई आज की स्टोरी खत्म करते हैं और इन अब इस तरह की बाइक्स के ऊपर रेगुलर रिव्यूज करने की कोशिश करते हैं राइड्स रिव्यूज सब चलते रहेंगे आपकी सपोर्ट की जरूरत है इनशाला आपसे फिर किसी वीडियो में मिलते हैं ठीक हो गया बॉयज सी यू ऑल वेरी सुन हाफिज़